He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. बहुत छोटा है कद ए आसमान तेरा, तुझसे ऊंची तो मैं अपने हौसलों की उड़ान रखता हूँ। तो यह कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके टीम में होने से दुनिया खौफ खाती है, जिसका नाम है विराट कोहली। बात है साल 2021 की, जब विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान वर्ल्ड कप से ठीक पहले सितंबर में ही कर दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण था विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने कोई भी ICC टूर्नामेंट नहीं जीता था। साथ में विराट कोहली का फॉर्म उनका साथ छोड़ चुका था और वहीं पर रोहित शर्मा अपने करियर के बेस्ट दौर से गुजर रहे थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि विराट कोहली को बिना बताए उनसे वनडे की कप्तानी छीन लिया गया। क्रिकेट के किंग का पूरी दुनिया के सामने ऐसी तौहीन की गई जिसकी बदला लेने की चाह उत्पन्न हो गई। लेकिन उस समय कोहली के लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि कोहली का वह बुरा वक्त ही नहीं, बुरे वक्त का दौर था और उसका असर कोहली के टेस्ट कप्तानी में भी देखने को मिला। और साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा और दिसंबर के लास्ट तक विराट कोहली ने टेस्ट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया। विराट कोहली का यह फैसला खुद का था, या फिर यूं कहें फैसला नहीं, एक गुस्सा था। BCCI भी कोहली के इस कड़े फैसले से घबरा गई, क्योंकि टेस्ट में अभी विराट कोहली की जरूरत थी। जिस कोहली की क्रिकेट में बादशाहत होती थी, 4 महीने में सब कुछ खत्म हो गया। कोहली के फैंस भी उम्मीद छोड़ दिए उनके फॉर्म में वापस आने की। लेकिन उस साल विराट कोहली IPL में भी बुरी तरह से फ्लॉप रहे। उसके बाद तो मानो उनके आलोचकों को एक बहुत ही सुनहरा मौका मिल गया, जिसे उसको भुनाने के लिए सभी लोगों ने पूरी जान झोंक दी। और विराट कोहली को लोग लगातार टीम में होने पर ट्रोल कर रहे थे। सभी लोगों ने विराट को बहुत कुछ कहा, जिनसे जो बन सका उसने वो कहा, क्योंकि विराट कोहली को शतक लगाए हुए 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। और सबसे खास बात यह थी कि उनके शतक से ही उनकी फॉर्म को जज किया जाता था। और उसी बीच जून जुलाई के महीने में इंग्लैंड के दौरे पर विराट कोहली बुरी तरह से फ्लॉप रहे और सीधे उनकी एंट्री हुई एशिया कप 2022 में। विराट कोहली को जरूरत थी आत्मविश्वास की और पाकिस्तान के खिलाफ 35 रनों की एक धीमी शुरुआत की और हांगकांग के खिलाफ अर्धशतक जड़ दिया। अब विराट कोहली आत्मविश्वास पा लिया था, अब उड़ान भरना बाकी था और अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़ वापसी का ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद विराट कोहली लगातार अपना अच्छा फॉर्म जारी रखा और उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में भी सबसे ज़्यादा रन बनाए। अब वक्त आ गया T20 वर्ल्ड कप 2022 का और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में 53 गेंदों पर 83 रनों की धमाकेदार पारी खेल इंडिया को मैच जिता दिया और अपने करियर की बेस्ट पारी खेली। अब विराट कोहली पूरी तरह से फॉर्म में आ चुके हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होने वाले हैं 2022 T20 वर्ल्ड कप के। और फिर से विराट कोहली का दहशत पूरी दुनिया में बरकरार है। और यदि आप विराट कोहली के इस खतरनाक कमबैक से अगर संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर ऐसे ही खतरनाक एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियो का लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।